हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुशाग मित्तल। आज हम आईपीसी का एक सेक्शन है 178, इसके बारे में बात करेंगे। एक सेक्शन किस बारे में बात करता है, ये बात करता है कि जैसे मान लो आपसे कोई ओथ लेने के लिए कही या अफर्मेशन के लिए कहा गया किसी पब्लिक सर्वेंट ने, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है और आप रिफ्यूज़ कर देते हो, उस केस में आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। एक सेक्शन कहता है कि अगर आप ऐसा करते हो कि आपसे ओथ लेने के लिए कहा या अफर्मेशन लेने के लिए कहा किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने जो कि कम्पिटेंट है आपको ओथ दिलाने के लिए किसी भी टाइम पर, ताकि आप ट्रुथ बोलोगे, आप सच बोलोगे, इस चीज़ की कसम खाओ, लेकिन आप कसम नहीं खाते, तो उस केस में आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये सेक्शन बताता है। तो ये सेक्शन कहता है कि मान लो आपने किसी के सामने कोई ट्रुथ बता रहा है, वो मजिस्ट्रेट हो सकता है कि भाई जैसे आप कोर्ट में गए तो कोर्ट में जब आपकी गवाही होती है तो वो कहता है भाई आप ओथ लीजिए कि आप जो कहोगे सच कहोगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहोगे, और वहाँ पे रिफ्यूज़ कर देते हो कि भाई मैं कसम नहीं खाऊंगा, मैं शपथ नहीं लूँगा, जबकि जो मजिस्ट्रेट है वो आपको ओथ दिलाने के लिए कम्पिटेंट है, और आप अपने आप को ओथ लेने के लिए बाइंड नहीं कर, आप अपने आप को बाइंड नहीं करते कि मैं ओथ खाता हूँ कि मैं सच बोलूँगा, मैं कसम खाता हूँ कि मैं सच बोलूँगा। तो इस केस में आपको सिंपल जो इम्प्रिजमेंट है वो हो सकती है या वो होगी, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 6 मंथ। तो उस केस में आपको सिंपल पनिशमेंट होगी ही होगी, यहाँ पे सेल वर्ड यूज हुआ है, और 6 मंथ तक की हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, और आपको फाइन हो सकता है 1000 रुपये तक का, या दोनों भी हो सकते हैं। ये बात करता है हमारा सेक्शन 178 इस चीज़ के बारे में। इसी तरह से एक सेक्शन है 179, ये क्या बात करता है कि रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू क्वेश्चन, मतलब एक पब्लिक सर्वेंट है उसके पास क्वेश्चन लेने पूछने का अधिकार है आपके पास, जब उसने आपसे कोई क्वेश्चन रखा और उसका आंसर आपको देना है, लेकिन आप उस चीज़ का आंसर देने से रिफ्यूज़ कर देते हो कि भाई मैं आंसर नहीं दूंगा, तो उस केस में आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी या क्या सज़ा मिलेगी, ये सेक्शन 179 कहता है आईपीसी का, इसके बारे में बात करता है। ये कहता है कि इस केस में जो आपको पनिशमेंट है वो सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी, शैल बी सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ एक्सटेंड टू 6 मंथ, या आपका 1000 रुपये तक का फाइन, या दोनों हो सकते हैं। तो ये सेक्शन बात करता है इस चीज़ की कि हुएवर बींग लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ, कि आपको ट्रूथ बतानी है उसके लिए आप बाइंड हो, टू एनी सब्जेक्ट टू एनी पब्लिक सर्वेंट, किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आपने उसका आंसर देना है ट्रूथ में, सच्चाई बतानी है, लेकिन आप रिफ्यूज़ कर देते हो टू आंसर एनी क्वेश्चन डिमांडेड ऑफ हिम टचिंग दैट सब्जेक्ट बाई सच पब्लिक सर्वेंट इन एक्सरसाइज लीगल पावर की, और वो पब्लिक सर्वेंट है, ये काम वो अपनी लीगल पावर के अंदर आके कर रहा हो, सेल्फ बी पनिश, तो वो व्यक्ति जिसने रिफ्यूज़ किया है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो उसको सिंपल इम्प्रिजमेंट होगी 6 मंथ तक की होगी ही होगी, या फिर उसके ऊपर 1000 रुपये तक का फाइन, या दोनों, मतलब कि 6 मंथ तक की होगी, नहीं 6 मंथ या उससे कम की होगी, मतलब कि उसको पनिशमेंट जरूर मिलेगी, मैक्सिमम 6 मंथ की मिल सकती है उसको। तो ये सेक्शन इस बारे में बात करता है, वह सेक्शन 179। तो यहाँ पे हमने 2 सेक्शन की बात करी, सेक्शन 178 और 179। 178 बात करता है अगर आप ओथ लेने से रिफ्यूज़ करते हो, और सेक्शन 179 बात करता है कि अगर आप रिफ्यूज़ करते हो किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पब्लिक सर्वेंट को, उस पर वो पब्लिक सर्वेंट जो कम्पिटेंट है आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए सच्चाई के बारे में।